विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौधरी शर्मिला बुलका सागर विद्याभवन में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आपणे पाठ छ भाग बीजो जोईशुं। आपणे पहला भाग में जोयुं, हवे आपणे बीजो भाग अहींथी शुरुआत करिए। तो ठीक है, तुम ही ले आओ। तो ठीक छे, तू ज लई आव, लेकिन ध्यान से जाना, परंतु तू ध्यान थी जजे। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली एटले के नाका। गली का छोड़, गली का छोड़, आना बे अर्थ थाय छे। सारा सामान नुक्कड़ वाली गली से ही मिल जाएगा। बधो सामान गली ना छेड़े आवेली दुकाने ज मळी जशे। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। थोड़ो समय पछी रेशमा बधो सामान लईने घरे आवे छे। उसने गोलू को आवाज दी। तेणे गोलू ने आवाज आप्यो, गोलू ये ने तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। आलो गोलू, आ ले, हूँ तारी माटे चॉकलेट लई आवी छूँ। गोलू टॉफी पाकर खुश से उछलने लगा। गोलू ये चॉकलेट लईने खुशी थी उछलवा लाग्यो। कुछ दिन बीते थे, केटलाक दिवसों बीती गया हता। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से चमकान जगमगाने लगा। एक दिवस रेशमानु घर दीवाथी जड़हड़ता दीवाथी अने प्रकाश थी चमकवा लाग्यु हतु। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। पूरो आखो मोहल्लो चमकी रह्यो हतो। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी क्या जमीन क्या आसमान। जमीन पर आकाश में बधी जगह प्रकाश फैलाई रह्यो हतो। दादीजी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दादीजीए तेमने बताव्यु कि दिवाली अंधकार पर प्रकाशना विजयनो त्यौहार छे। बुराई पर अच्छाई और सत्य पर असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई पर भलाई नी अने असत्य पर सत्य नी जीत थाय छे। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। आ दिवसे रावण ने हराविने राम अयोध्या आव्या हता। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। आ खुशी में आ त्यौहार मनावामा आवे छे। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी को बातें सुन रहे थे। रेशमा अने गोलू खूब ध्यान थी दादी जी नी बात सांभळी रह्या हता। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। थोड़ा समय पछी बधाए मळीने पूजा करी अने प्रसाद खाधो। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ाने में मग्न हो गया यानी तल्लीन। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया था। गोलू तेना मित्रों साथे फटाकड़ा फोड़वामा मग्न तल्लीन थई गयो हतो। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी। रेशमा तेना दादा अने दादी साथे फूलझड़ी फोड़ी रही हती। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को भूजा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी थी। एटला में रेशमा ये शू जोयो कि गोलू ये जे फटाकड़ा ने ओलवाई गयेलो समझी ने फेंकी दीधो हतो, तेना माथी चिंगारी निकलवा लागी हती।
गोलू की पीठ पटाके की तरफ था, तेनू पीठ फटाकड़ानी फटाकड़ा तरफ हतो। रेशमा चिल्लाई, रेशमाए अवाज आप्यो, गोलू 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 बच्चो, गोलू गोलू बाड़को, तुम्हारे पीछे पटाका है, तुम्हारी पाचड़ फटाकड़ा छे, फटाकड़ो छे। पटाको पटाको के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, फटाकड़ाना आवाज थी रेशमा नो आवाज दबाई गयो। बाकी लोग कुछ समझ पाते, सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। केटलाक लोको समझे ए पहला रेशमा जल्दी थी कुर्सी ने धकेली ने गोलू पासे पहुंची गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया, तेने गोलू ने खूब जोर थी धक्को दीधो और खुद आगे निकल गए अने ते आगड़ निकली गई। अपनी कुर्सी को गति के कारण तेना कुर्सीना गतिना कारण ए आगड़ निकली गई। धड़ाम धड़ाम एवो जोर का धमाका हुआ, जोर थी धमाको थयो। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलाने से बचा दिया। रेशमा ने फुर्ती थी गोलू ने धाचता जलने से एट के धाचता बचावी लीधो। गोलू को कुछ समझ न आया, गोलू ने कुछ समझ में आव्यू न हतु। उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया, तेने धक्को कोणे दीधो अने शा माटे दीधो। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बहार दौड़े। आ धमाकानो आवाज सांभळीने पिताजी अने माता पण बहार दौड़ी आव्या। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे, कुर्सी रेशमा ने ऊपर हती अने रेशमा नीचे हती। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजी कुर्सी सीधी करी अने रेशमा ने आ कुर्सी पर बेसाड़ी दीधी। माँ भयभीत थी, माँ भयभीत हती, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू, रेशू तने वाग्यो तो नथी ने। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई, रेशमाए तेने सारी घटना बतावी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ शाबाशी देना। मुहावरे का अर्थ है बच्चों याद रखना। सोए रेशमा ने शाबाशी आपी। गोलू ने रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला। गोलू रेशमा पासे आवीने नाटकीय ढंग थी बोले छे, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, दीदी आजे तो तें मारो जीव बचावी लीधो। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, आ तारो धमाकेदार धक्को मने हमेशा याद रहेशे। सभी लोग खिलखिलाट हंस पड़े अने बधा ज लोको खड़खड़ाट हसी पड़िया। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधारूप नहीं बनी। रेशमा की शारीरिक कमी तेना इरादामां क्यारेय अड़चणरूप बनी न हती। इरादा यानी संकल्प ने निश्चय, इरादो रेशमा की शारीरिक कमी तेना इरादा में क्यारे अड़चनरूप बनी न बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदा दिली यानी कि खुश मिजाजी, जिंदा दिली। विनोद प्रियता
उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तेनी हर सवार एक नवी सवार होई छे। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है, ते दरेक सवारे पोताना नवा काम में जोड़ाई जाए छे। विद्यार्थी मित्रों, आ हती आपनी शुभ प्रसंगकता, खूब ज सारो एवो पाठ छे। तमारे ध्यान थी एक वार फरी थी जोई जवानु छे अने समझवानु छे। अस्तु।